पनीर और मैगी मसाला ये ले ली है मैंने मैगी, अब लेने हैं बचाने। फ्रेंड्स अब टाइम हो चुका है अभी शाम के 5, अब हो चुके हैं ऑलरेडी जाने के लिए अपने ट्यूशन। अब अभी जस्ट मैंने अपना थोड़ा ट्यूशन का काम करा था वो कंप्लीट हो गया था, 4:30 बजे में काम करने बैठ गया था, आधे घंटे में सारा काम हो चुका है डन। तो चलिए चलते हैं अब अपने ट्यूशन, अभी पहले चलते हैं बाबा के पास फिर चलते हैं अपने ट्यूशन। फ्रेंड्स अब कह रहे पापा उतारने को क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दूर ले जा चुका हूँ, काफ़ी कैमरा में वो रही बहुत ही ज़्यादा दूर ले जा चुका हूँ, ऑलमोस्ट 2 रील से भी ज़्यादा खत्म हो चुका है। पापा कह रहे लपेटने को क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, पापा को तो कुछ नहीं था, पापा आराम से खड़े हुए थे, वो तो ढील पटील छोड़ते जा रहा था। अब पापा कह रहे लपेटने में मान जाए टूट भी सकता है, तो चलिए हाँ लपेट रहा हूँ। चलो कितना डर लगता है ऊँचाई से देखने में, ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए छोटे छोटे सब लोग लग रहे हैं, ऐसे कॉलोनी कितनी प्यारी लगती है अपनी। और बाहर मौसम कैसा हो रहा है? मौसम कैसा हो रहा है बाहर का? मौसम बढ़िया, हवा चल रही है। अभी हम ऊपर पतंग उड़ा रहे थे मैं और पापा, चौकीदार कैच कर रहा है। हाँ मैं बुला तो रहा था ऊपर से, काफी दूर तक उड़ाई, मुझे शुरुआत नहीं आती ना, पापा ने उड़ा के दे दी, फिर पापा ऊपर ही थे, मैं ढील बढ़ील इतनी दूर तक उड़ा दी, फिर अब उतार के अब आए हैं। चौकीदार कैच कर रहा है, देख लो पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ मैं बुला रहा था ना भैया को, आवाज सुनाई दी होगी पता नहीं। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30, अभी तो मैं नहा के बिल्कुल हो चुका हूँ रेडी, हाँ जाने के लिए हो चुका हूँ रेडी जाने के लिए अपने स्कूल। बाहर हो रही है बहुत ही ज्यादा तेज बारिश, आज सुबह सुबह बारिश हो रही है, तो मैंने छाता ले लिया है, तब छाता में लेके आते हैं। मम्मी जाऊँ फिर ना जाऊँ? कहीं बुक्स वुक्स ना गीली हो जाए? नहीं मैंने पॉलिथीन में डाल दी। अच्छा ढक दिए ना अभी? अच्छा चलो ठीक है फिर जाता हूँ, अब ऑटो से जाऊँगा फिर आज। सो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अब अपने स्कूल, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने स्कूल से आने के बाद। हाँ बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे बाहर? हाँ देखो साइड में देखो कि आ रही है पानी, जब मैं गया जब तो होना भाई नहीं, अब हो रही है, छुट्टी खत्म हो गई। ठीक है शाम को ले आऊँगा, थोड़ा का पत्ता भी खत्म होगा, मैं पहला से तो मंगाई ना क्या, वो दूसरी जगह से आते हो पापा लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स फाइनली भी मैं अपने स्कूल से तो आ चुका हूँ, टाइम हो चुका है अभी शाम के 4, तो भी काफ़ी सारे काम करने, सबसे पहले मुझे जाना है मार्केट क्योंकि मम्मी क्या क्या सामान लेके आना है, एक तो मार्केट से आलू लेके आने हैं और एक मैगी लेके आनी है, एक मेहंदी की कीप और फोन ले जा मुझे जाना। ठीक है चलो। हाँ और क्या क्या लाना है? मेहंदी, मैगी मसाला और आलू। बस फोन ले जा, मैं तेरे जाते ही मुझे याद आएगी, मैं भूल जाती हूँ। ऐसा भी कुछ होता है जाते ही? हाँ फिर जाते याद आ जाएगी, अरे ये सामान लेके फोन ले जा तू मेरा। चलो ठीक है फिर फोन ले जाता हूँ। फ्रेंड ये रहा मैगी मसाला ये ले ली है मैंने मैगी, अब लेने हैं बचा। बाबा आ गए दुकान से? हाँ कब आए थे? 4:30 हो गई, 5 बजे ट्यूशन जाना है मुझे आज, 5 बजे ट्यूशन जाना है। क्यों? कल जो 7-8 वाला ट्यूशन था ना उसकी छुट्टी हो गई थी, तो उसकी ट्यूशन आज शाम को 5 बजे है, तो बस 5 बजे जाऊंगा फिर। चाय पी ली? अच्छा हाँ मैं जाऊँ या तो मैं ले आऊंगा या पापा से कह दूंगा, बाकी सारी दवाई तो कल आ गई थी, मामा ले आए थे। तो बाकी सब तो यहीं से आती है, वहाँ से तो बड़ी बड़ी मंगवाते हैं ना, बाकी छोटी मोटी यहीं से ले आते हैं। कल को काम रखती है भाई? क्या चीज? कपड़े। कल इतवार है, कल बंद तो नहीं होगा? ना बंद है। अच्छा खुली होती है, ठीक है फिर कल दे आऊँगा मैं, कल तो स्कूल की छुट्टी नहीं ना, कल तो छुट्टी है ना संडे है। आज फोन करना ट्रैकिंग वाले को? कल। अच्छा कल देने, ठीक है फिर कल फोन कर दूंगा, कल संडे, कल तो शायद से बंद होगा, फिर परसों लेके जाएगा वो। मंगल की छुट्टी है? ट्यूसडे की या मंडे की? मंगल की। मंगल मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे की? अच्छा हाँ फिर तो संडे को ले जाएगा और मंडे दे, मंडे वेडनेसडे थर्सडे तक दे जाएगा। चलो ठीक है फिर। मैं आज तो जल्दी आ गया था, थोड़ा 3:45 बजे आ गया था मैं आज, जल्दी रिक्शा मिल गई थी ना तो जल्दी आ गया फिर। चलो ठीक है फिर। ठीक है
सो फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं मम्मी के पास। मम्मी क्या बना रहे हो फिर आज? वो ये क्या बन रहा है? स्प्रिंग रोल। अच्छा, इसके अंदर मैगी की स्टफिंग होगी? मैगी, प्याज, शिमला मिर्च। अच्छा, स्प्रिंग रोल बना रहे हो। अच्छा, जो मौसी ने मौसी ने जैसे मौसी ने भी बनाए थे, ये क्या पड़ा? बनाए थे ना? हाँ, उसने मेरे को शीट भेज दी थी। अच्छा, शीट बच गई थी। हाँ, तो ये फिर मैगी मसाला, मैगी मसाला भी दे। हाँ, फिर शीट बच गई थी तो अभी शीट बना रही थी। अच्छा, उन्हीं शीटों की इसके अंदर अपनी स्टफिंग करके स्प्रिंग रोल बना लेंगे। अच्छा, मेरे को कमाते हैं ना अच्छी तरह, वो बहुत अच्छे बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मौसी की रेसिपी पूछ ली होगी? ये तो मुझे आती है नॉर्मली, वही तो बननी है, मैगी बननी है प्याज टमाटर शिमला मिर्च की ऐसे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर, जब बन जाए तो बताना फिर। अच्छी बनेगी तो अगली बार फिर इसकी भी रेसिपी डाल देंगे। मुझे थोड़ी आते हैं मौसी की रेसिपी, मुझे नहीं आता भाई। चलो कोई बात नहीं, हम सीख के फिर हम डाल देंगे। ठीक 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 फ्रेंड्स, अब टाइम हो चुका है, अभी शाम के 5 हो चुके हैं। ऑलरेडी जाने के लिए अपने ट्यूशन, अभी जस्ट मैंने अपना थोड़ा ट्यूशन का काम करा था वो कंप्लीट हो गया था, 4:30 बजे में काम करने बैठ गया था, आधे घंटे में सारा काम हो चुका है डन। तो चलिए चलते हैं अपने ट्यूशन, अभी पहले चलते हैं बाबा के पास फिर चलते हैं अपने ट्यूशन। देखिए पापा यहाँ पर कर रहे हो। हाँ, मशीन कर रहे हो? हाँ, अभी खत्म हो गई। खांसी हो रही है बहुत। फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने 4 बजे वाले ट्यूशन से आ चुका हूँ। मेरी साइंस की ट्यूशन थी शाम को, मैं आ गया हूँ छत पे, और अब पापा के हम यहाँ पे उड़ा रहे हैं पतंग, क्योंकि पापा भी खाली बैठे थे और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। मेरा भी मन कर रहा है पतंग उड़ाने का, और मुझे आती नहीं, पर पापा कहते हैं पापा बहुत एक्सपर्ट है। चलिए देखते हैं उड़ती है। क्या हुआ? उड़ नहीं रही। पापा ऐसे कहते हैं हमने इतनी पतंगें उड़ाई हैं, पूरे पूरे सुबह दोपहर शाम रात वो पतंगें उड़ाते थे। पापा क्या हो गया, उड़ी नहीं? देखो एक बार उड़ा, देखो जहाँ जिस तरफ जाती है तो पता लग जाएगा। मेरे को तो सही लग रही है कि उधर की तरफ है, कि हर बार जब भी उड़ाता हूँ उधर ही जाती है। देखो आ गई हवा, इस साइड उड़ाओ, इस साइड घरों की तरफ, यहाँ पे इधर लग रही है मुझे। अब मैं कर नहीं देता फ्रेंड्स, फाइनली जब मैंने पापा को कर नहीं दिया था, फाइनली अब पतंग उड़ गई है, तो वो रही अपनी पतंग, तो चलिए अब उड़ाते हैं। पापा गिरनी नहीं चाहिए आज, पापा ने बहुत कहा है, पापा ने 30-35 साल बहुत उड़ाई है पतंग, ज्यादा दूर नहीं। हाँ, ये अब मजे आएंगे। खाली आसमान का भी वैसे जब काफ़ी आती है तो डर लगता है मुझे, कट जाएगी कट जाएगी। खाली आसमान का भी अलग मजा है, बस सीधी उड़ाते रहो उड़ाते रहो। बाबा ज़्यादा दूर नहीं, ऊंची करो, ऊंची ऊंची ऊंची। हाँ, यहाँ पे थोड़ा संभल के, क्योंकि यहाँ पे वो है ना, ये नीचे डिश टीवी लग रहा है, तो फिर इसमें ना फंस जाए, मान जाओ। अब थोड़ी दूर भेजा, चलो अब बंद हो गई हवा, हल्की फुल्की चल रही है। अपनी अलग ही आसमान में अलग एक ही उड़ रही है बस, 2-3 दिन पहले मैंने देखी थी कि उड़ रही थी, और अब वहां थोड़ी ले जा पाएंगे। ये प्रथम कुत्ता उड़ा रहे हैं, मुझे खुद नहीं उड़ती, जब मैं कितनी बार छत पे आया मुझसे खुद कभी नहीं उड़ पाती, कोई उड़ा दे तो बहुत हुआ है खुद। अब ऐसे तो अब तो मैं संभाल लूंगा, अब तो खुद कर लूंगा, मतलब खुद नहीं स्टार्टिंग नहीं हो पाती, स्टार्टिंग हो पाती। पहले तो मैंने सीख ली थी 15, फिर से मैं खुद करी थी, अब प्रैक्टिस भूल गया तो आती है। पापा को कह दिया था लास्ट कब उड़ाई थी, पिछले 15 अगस्त, 30-35 साल पुरानी, कैसे कैसे याद होगी, मतलब भूल भी जाऊँ। फ्रेंड वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा दूर ले गया, पापा ने मुझे उड़ा के लिया, देखो कहाँ पे गिर गई, मैं फिर छोड़ जाऊँगा, देखो फ्री छोड़ तेरा, फर्क भी नहीं पड़ता, जहाँ जा रही है जान दो, अगर डूब गई तो मुझे डर नहीं लगता, पापा है पापा उड़ा देंगे।
उड़ रही है, मेरे को डर भी नहीं है, अगर डूब गई कोई बात नहीं, पापा है, पापा बहुत दूर ले गया मैं, पापा ने तो कब दी थी, इसमें तीन चार कलर के हैं, एक एक रील है सब में, चार रील उड़ा दी अभी मैंने, बहुत दूर है ये तो, वीडियो में पता नहीं लग रही नहीं लग रही, बहुत दूर ले गया अभी तो मैं। फ्रेंड जब कह रहे पापा उतारने को क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दूर ले जा चुका हूँ, कहाँ गई कैमरे में वो रही, बहुत ही ज़्यादा दूर ले जा चुका हूँ, ऑलमोस्ट दो रील से भी ज़्यादा खत्म हो चुका है, पापा कह रहे लपेटने को, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, पापा को तो कुछ नहीं, पापा आराम से खड़े हुए थे, वो तो ढील छोड़ते जा रहा था, अब पापा कह रहे लपेटने में मान जाए टूट भी सकता है, तो चलिए हाँ लपेट रहा हूँ, चलो बहुत दूर है ये, आसानी से नहीं उतर पाएगी, मेरे डील में तो कुछ नहीं था, पापा आराम से छत पर देख रहे थे क्या चीज़ टंकी देख रहे थे अपनी, मैं तो डील पे डील छोड़ता चला गया, डील जा रही है अभी, नीचे तो मान जा टक गया था, मैं डर गया, फिर मैंने पापा को बुलाया, फिर पापा ने ओ मम्मी भी आ गई अब तो, पापा तो मम्मी उड़ाएंगी, लो एक सेकंड रुको, मम्मी लो उड़ाओ, देखो कितनी दूर दी है, डील लो उड़ाओ, हाँ छोड़ो मान जा, छोड़ो ऐसे आराम से छोड़ो, आराम से मम्मी टूट जाएगा वो, हाथ को उंगली को ढीला कर दो हल्का सा, और मान जा झूठता चला जाएगा, और डूब गई मम्मी, यार पापा भी उतारो मत, लो मम्मी चलो लपेटो, मैं वीडियो बनाता हूँ, लपेटना आता ना, स्टार्टिंग में तो पापा से उड़ी नहीं, मैं पापा कह रहे लो मैं पापा कह रहे 30-35 साल से मैं तो इतनी उड़ाता हूँ, फिर मैंने कहा मैंने करनी थी वहां से, ये उठाई फिर उड़ गई, मैं लो मेरी मदद से, फिर इधर से इधर ही उड़ रही थी, क्योंकि जब भी मैं हमेशा उड़ाता हूँ इधर उड़ाता हूँ या इस साइड उड़ाता हूँ, और मौसम काफी अच्छा हो रहा है, बादल लपेटो जल्दी जल्दी, बनाना है कुछ, चारों तरफ कर देना इधर उधर, ठीक है ना, ऐसे कभी उड़ाई नहीं बचपन में, हमारे क्या काम पसंद था, नहीं तो भी उड़ाई कभी मामा मामा के साथ, मामा खुद लाती, उसे भी एक उड़ा के दे दे तो बस उड़ा लेगा, पिछले 15 अगस्त से मैंने सीख ली थी दोस्तों से, फिर तो मैं उड़ाता था और फिर प्रैक्टिस छूट गई, अब मैं ट्राई कर रहा था उड़ती ही नहीं, अब भाई मैं तो हाथ दे, अभी तो बहुत दूर है, अभी काला वाला बहुत सारा, उसके बाद फिर पर्पल आएगा, उसके बाद फिर एक और कलर आएगा, कम से कम एक, हाँ बहुत दूर ले गया मैं तो, पापा छत पर देख रहे हैं, मैं तो डील पे डील डील, चलो रुको दो मिनट रुक रुक के कर लो, बस पापा रुक जाओ अभी भी बहुत दूर है, आराम से करेंगे, चलो डील छोड़ो, चलो वापसी करेंगे, एक बार पूरा उतार लो उसके बाद फिर वापसी करेंगे, चलो बस मम्मी रुक जाओ, वॉक पे मौसम तो अच्छा हो रहा है वैसे, मैं तो देखता हूँ क्या बना है गट्टे की, राजस्थान की जल्दी लपेटो, देखो कितना सारा पड़ा नीचे, देखो हवा अच्छी चल रही है वैसे, चलो करो चलो 2 मिनट, पापा रुक जाओ, अब मम्मी पतंग उड़ाएंगी, मम्मी उड़ाओ, अब तो बहुत आसान है लगी मुझे तो, मम्मी उड़ाएंगी, भाई पापा उतारो मत, अब उड़ाओ 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 वो उड़ाओ, मेरे हाथ दुख गए अब, प्रथम तू लपेट, कहाँ है अपनी पतंग, कहाँ है, दिख वो रही छोटी सी दिख रही है, छोटी सी दिख रही है, मुझे तो पूरे आसमान में किसी की पतंग नहीं लग रही तुम्हारे अलावा, कोई नहीं उड़ा रहा आज, 15 अगस्त पे उड़ेंगी दबा के, 15 अगस्त पे किसी के घर जाते हैं, अच्छा आज कहाँ जाए, अब की बार कहाँ जाएगा, इनविटेशन आ गया आपको, किसने दिया, मीनू दीदी ने, अच्छा कोई बात नहीं, इस पे आके उड़ा लो, सब अपने आए, देखिए फ्रेंड्स पीपल उग रहा है, देखना कितनी तरेड़ आ रही है, हैं कितना गलत है, ये देखो छत पे भी लग रही है मेरे को तो, पूरी पे तरेड़, इसको तक रिपेयर नहीं करा है, कितनी गंद कर रखा है, यहाँ गुठलियाँ सूख रही हैं, यहाँ टूटी साइकिल, ये टूटा पता नहीं क्या है, टूटा घड़ा, ये इधर तो फिर भी अच्छा कर रखा है, ग्रीनरी कर रखी है, रिपेयरिंग चाहिए हमारे घर को, छत को,
हमारा ये भी देखो इधर देखो तो हमारी छत ही नहीं है तो रिपेयर का क्या मतलब हमारा, जिसकी छत है वो रिपेयर कराएगा है कि नहीं है? क्या कहते हो आप? देखने इनके लपेटने का तरीका जरा, यहाँ पे रखो ना आपको हो गया। पापा ले ऐसे ऐसे तो कोई नहीं लपेट रहा, जैसे आप लपेट दो ऐसे हम लपेट रहे तो बात बनती है, हम सीखता रहे। बहुत छोटी है ना ये, तो निकू ने दी तो सी तेरे को लकड़ी की भरने वाला, तो उसमें बहुत जान चली थी, उसमें घुमाते रहो घुमाते रहो। अच्छा, उसमें फिर दीमक भी लग गई थी, पानी बारिश वाली से। हाँ पीछे पड़ी थी ना वो, हाँ दीमक लग गई। देखिए फ्रेंड्स अब कितनी पास आ गई है हमारी, पता कितना डर लगता है ऊंचाई से देखने में, ऐसा लग रहा है जैसे अब के छोटे छोटे सब लोग लग रहे हैं। कॉलोनी कितनी प्यारी लगती है अपनी। और दा बाहर मौसम कैसा हो रहा है? है मौसम कैसा हो रहा है बाहर का? मौसम बढ़िया, हवा चल रही, हवा चल रही है। अभी हम ऊपर पतंग उड़ा रहे थे, हाँ मैं और पापा, चौकीदार कैच रहा है। हाँ मैं बुला तो रहा था ऊपर से, काफी दूर तक उड़ाई, मुझे शुरुआत नहीं आती ना, पापा ने उड़ा के दे दी, फिर पापा ऊपर ही थे, मैं ढील भी ढील इतनी दूर तक उड़ा दी, फिर अब उतार के अब आए हैं। चौकीदार क्या चला, देख लो पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ मैं बुला रहा था ना, भैया को आवाज सुनाई दी होगी पता नहीं। फ्रेंड्स अब टाइम हो चुका है अभी शाम के 8:30, अभी जस्ट मैं जब पतंग उड़ा के आया, पतंग उड़ाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठा था, पढ़ने बैठने के बाद फिर अब चला गया था मैं थोड़ी देर खेलने के लिए, बाद काफी टाइम हो गया था मैं खेलने गया नहीं था, पर पूरी तरह ट्यूशन घर, तो छुट्टी थी यार ट्यूशन की, तो आज चला गया था मैं थोड़ी देर खेलने के लिए पार्क, तो पार्क से आ चुकी हूँ टाइम रात के 8:30। देखिए अब आ चुका है मेरा डिनर, और डिनर में जैसे कि मम्मी ने बताया कि आपको बनी थी आज गट्टे की सब्जी और ऐसी रोटी, तो बस चलिए फटाफट से खाते हैं अपना आज का डिनर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Thank you.